हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल एक्सट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो एसएसबी, जी हाँ, एसएसबी में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, कांस्टेबल ड्राइवर्स की, 1500 प्लस आप लोग की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप लोग उसको वीडियो देख करके इसकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मींस आप लोगों की कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, सारी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग के जो है 29 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो चुके हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुक हो, कारपेंटर हो, या फिर हो स्वीपर, माली, या फिर आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो वीडियो देख करके आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है ऑनलाइन अप्लाई का, क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वो वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग भी अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो आप लोग वो वीडियो देख करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी आप लोग उस वीडियो को देख करके ले सकते हैं। तो शॉर्ट जानकारी मैं आप लोग को अभी प्रोवाइड करा दूं। यदि आप लोग 10th पास हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एचएमवी लाइसेंस आप लोग के पास है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके अदर जो भी ट्रेड है, स्वीपर, कुक वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी ट्रेड है, उनके लिए आप लोग के पास होना चाहिए एक्सपीरियंस 2 साल का, मींस 10th प्लस आप लोग के पास होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित ट्रेड में। यानी कि यदि आप लोग स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्वीपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं कुक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसी प्रकार से आप लोग जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो ITI, या फिर आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर का। पूरी जानकारी आप लोग को उसमें मिल जाएगी, हाइट, चेस्ट वगैरह सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को इसके जो प्रोसेस है, मीन सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, जो भी हाइट, चेस्ट वगैरह, पूरी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। बट आज जो मेरा वीडियो है ये है कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित। एसएसबी में जो कांस्टेबल ड्राइवर्स की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मैंने ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बनाया स्पेशली ड्राइवर वालों के लिए। तो अभी भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे करें, मीन्स क्या ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हम प्रैक्टिकल मीन्स फिजिकल के टाइम हम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। जो HMV लाइसेंस आप मांग रहे हैं वो HMV लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, काफी मैसेजेस आ रहे हैं और सभी के मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जिसमें मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस बल्क में मैसेज होते हैं जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते, वीडियो के थ्रू ही उसके बारे में बताया जा सकता है। तो इसलिए मैंने आज आप लोग के लिए वीडियो बना दिया है एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, बिल्कुल A to Z जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। तो यदि आप लोगों ने कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर दिया है, या फिर आप लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे ही आप लोग अपना जो डिटेल आप लोग जो अपनी भरते हैं, इसमें आप लोग देखते हैं आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, मींस आप लोग होने चाहिए 10th पास, तो 10th की आप लोग को पूरी डिटेल यहां पे देनी पड़ती है, ये होती है आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आप लोगों से मांगा जाता है एजुकेशन जो आप लोग की क्वालिफिकेशन है वो, प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी इसमें आप लोग की मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग की होती है 2 चीज, यानी कि आप लोग की पूछी जाएगी मैट्रिकुलेशन आप लोगों ने कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, वहां पे आप लोगों को 2 पॉइंट दिए हुए यस एंड नो, तो यहाँ पे आप लोग को यस करना पड़ेगा, मींस मैंने हाई स्कूल कर रखी है तो आप लोग को यस करना ही पड़ेगा। यदि नो करेंगे तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे मांगा गया है मस्ट प्रोसेस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, मीन्स मस्ट प्रोसेस HMV, यानी कि आप लोग के पास HMV है यस एंड नो, तो यहाँ पे भी आप लोग को यस करना पड़ता है। यदि आप लोग यहाँ पे नो करेंगे तो आप लोग भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और यदि आप लोग यस कर रहे हैं मीन्स आप लोग के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो नॉर्मल सी बात है जब यस करने पे ही आगे का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आप लोग
के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद आप लोग का प्रैक्टिकल होगा या फिर 6 मंथ बाद आप लोग का रिटेन होगा तो आप लोग जमा करा देना, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने मांगा है आप लोग हाई स्कूल पास हैं, यस, आप लोग के पास HMV है, यस, करने पे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग के पास HMV होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 6 मंथ बाद या फिर प्रैक्टिकल के समय या फिर ट्रेड टेस्ट के टाइम जमा कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग के पास HMV होना चाहिए। अब बारी आती है किस डेट का होना चाहिए, तो देखिए डेट इसमें नहीं बताया है। डेट का मतलब यहाँ पे ये है, यदि आप लोग आज फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आज आपके पास HMV होना चाहिए। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 27 सितंबर तक। यदि आप लोग 27 सितंबर को भी अप्लाई कर रहे हैं और 26 का भी आप लोग का HMV बना हुआ है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स टोटल मिला के यदि मैं आप लोगों को बोलूं तो लास्ट डेट तक आप लोग के पास HMV आप लोग के घर पे होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और तभी आप लोग वैलिड होंगे आगे के प्रोसेस के लिए। बहुत से बच्चों ने हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है हाई स्कूल, उसमें उन्होंने यस कर दिया है, ठीक है, और जो मस्ट प्रोसेस हैविंग लाइसेंस उसमें भी यस कर दिया, यानी कि मेरे पास हाई स्कूल भी पास हूं मैं और मेरे पास जो HMV भी है। इसके बाद जब सर्टिफिकेट अपलोड करने की बारी आ रही है तो उन्होंने क्या किया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। जी हाँ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट तो उन्होंने अपलोड करवा लिया आप लोगों से। इसके बाद उन्होंने मांगा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही तो है जो आप लोगों ने अभी प्रीवियस में भरा है HMV। HMV ड्राइवर के लिए HMV ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। आप लोग इंटर लगाते रहे, ग्रेजुएशन लगा रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल जो है आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं है। आप लोगों ने हाई स्कूल के बाद इंटर कर लिया तो वो प्रोफेशनल हो गया, ऐसा नहीं है, ये एजुकेशनल है। प्रोफेशनल आप लोग का होता है आप लोगों ने कहीं से कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, आप लोगों ने कहीं से ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, कहीं से आप लोग को वर्किंग एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट है, या फिर उन्होंने जो HMV आप लोग को लाइसेंस मांगा है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस आप लोग के पास है वो आप लोग का एक सर्टिफिकेट है। ये आप लोग के लिए प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि प्रोफेशनल चीज है। तो आप लोग को हैवी मोटर व्हीकल का ही वहां पे जो स्कैन करा के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इंटर और ग्रेजुएशन लगाने से आप लोग का काम नहीं चलेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो ये मान के चलिए कि फिजिकल में आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा, फिजिकल में जाने का आप लोग को कोई फायदा नहीं है। आप लोग की लास्ट डेट तक HMV आप लोग के पास होना चाहिए। HMV जो ऐसी चीज है, बहुत सी जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आती है जैसे CRPF वगैरह में, इसमें तो HMV जो आप लोग की 2-2 साल 3-3 साल पुरानी मांग ली जाती है। जी हाँ, तो आप लोग समझ सकते हैं HMV की क्या वैल्यू है। यदि आप लोगों ने किसी तरीके से एग्जाम दे भी दिया तो ट्रेड टेस्ट आप लोग कैसे देंगे, जो वहां पे आप लोग को डंपर चलाना होगा, ट्रक चलाना होगा, कैसे चलाएंगे आप, कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं आप लोगों से कि जो इन्होंने मांगा है आप लोग का, जो लास्ट डेट तक यदि आप लोग के पास HMV बन के आ जाता है तो आप लोग HMV का जो स्कैन करा के उसे अपलोड कर दीजिए, ठीक है, तो ही आप लोग वैलिड माने जाएंगे, नहीं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, इस फॉर्म को आप लोग को भूलना ही पड़ेगा। तो ये नॉलेज, ये जानकारी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं मैंने इंटर का अपलोड कर दिया मेरा काम हो गया, या फिर मैंने कुछ और अपलोड कर दिया मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग को फिजिकल के टाइम जब वहां पे SSB वाले आप लोग को चेक करेंगे तो SSB वाले तुरंत आप लोग को बाहर कर देंगे। यदि फिर भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कीजिए, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा, लेकिन जो मुझे जानकारी है वो मैंने आप लोग को बता दी है। अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग हाई स्कूल अपलोड करें, इंटर अपलोड करें, ग्रेजुएशन अपलोड करें, HMV आप लोग बाद में दे दें, यदि आप लोग को ऐसा लग रहा है तो आप लोग अपलोड कीजिए। जी हाँ, आप लोग अपलोड कीजिए और फिजिकल देने जाइए। ये भी एक जानकारी होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है कि मैंने ऐसे किया और मुझे वहां जाके ऐसे किया गया। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा। ये मात्र यदि आप लोग जनरल OBC के हैं तो आप लोग के 100 रुपए लगने वाले हैं, इसके अलावा SC ST बिल्कुल फ्री है।
बट मेरी तरफ से आप लोग के पास HMV होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त, और इसके अलावा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त, यानी कि लास्ट डेट तक आप लोग के पास सभी एजुकेशनल और सभी एक्सपीरियंस सभी प्रकार के सर्टिफिकेट आप लोग के पास होने चाहिए, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। यदि आप लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। बट अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।